नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मानसून फिर सक्रिय, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अतिरिक्त 4 सितंबर को मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग निदेशक ने बताया कि आगामी दिनों में मानसून सक्रिय रहेगा। उन्होंने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। उधर पांवटा साहिब चिलाई नेशनल हाईवे 707 पर हेवना के पास भूस्खलन होने से NH फिर से बंद हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नेशनल हाईवे के बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। संबंधित कंपनी ने मशीनें लगाकर 10 घंटे बाद हाईवे बहाल किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान, टांडा अस्पताल में इन पदों पर निकाली भर्ती। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने लोगों के लिए अस्पताल में बेहतर सुविधाएं देने को लेकर बड़े ऐलान किए। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 462 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी के 14 पद भरे जाएंगे और मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के 4-4 पद और स्टाफ नर्स के 300 पद, रेडियोग्राफर के 2 पद, वार्ड बॉय के 47 पद और चतुर्थ श्रेणी के 5 पद, सफाई कर्मचारियों के 40 पद, सुरक्षा गार्ड के 30 पद और ऑपरेशन थिएटर सहायक के 4 पद, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के 2 पद जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के 10 पद निकाले गए। दल बदल में अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी, पिछली रकम की भी होगी वसूली। हिमाचल प्रदेश में दल बदल के कारण अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी है। पेंशन के अधिकार से वंचित होने पर पूर्व विधायकों से पिछली रकम की भी वसूली होगी। दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक पर सदन में बुधवार को चर्चा होगी। विधेयक पारित हुआ तो राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल को प्रलोभन में आकर दल बदलने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था। सुधीर और लखनपाल तो दोबारा उपचुनाव लड़कर भाजपा से विधायक बन गए, लेकिन राणा, भुट्टो, चैतन्य और रवि ठाकुर नहीं जीत पाए, जो अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की श्रेणी में है। विपक्ष के विरोध के बावजूद इसमें संशोधन होता है तो यह राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कानून का रूप ले सकेगा। अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन बंद करने का यह देश में ऐसा पहला कानून होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 9 सितंबर से 14 नवंबर तक करवाएं छात्रों का पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रों के पंजीकरण के लिए पोर्टल 9 सितंबर से 14 नवंबर तक खुलेगा। इस दौरान राजकीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त 9वीं से 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों का पंजीकरण करवाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के राजकीय एवं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल 9 सितंबर से खुलेगा। इस दौरान 14 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा सकेगा। वहीं प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापकों तथा कक्षा के प्रभारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग और श्रेणी आदि सही अंकित किए जाएँ। अगर किसी भी परीक्षार्थी का विवरण विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर से अलग पाया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक और कक्षा के प्रभारी का होगा। सिरमौर की 3 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस, केंद्र की टीम ने दी थी दबिश। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब की 3 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। हाल ही में केंद्र की टीम ने यहां दबिश दी थी। इसके बाद राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कंपनियों से 15 दिन में जवाब मांगा है, इसके बाद कार्रवाई होगी। 28 मई 2024 को अंबाला निवासी डॉक्टर अनिकेत जैन ने प्रधानमंत्री सहित संबंधित विभागों को कालाम में काम कर रही 3 फार्मा कंपनियों ग्रैम्स लैबोरेटरी, इवेंट कॉरपोरेशन व MBC इंडस्ट्रीज को लेकर शिकायत की थी।
शिकायत में कंपनियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें कहा था कि कुछ दवाओं का निर्माण बिना और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग के उक्त मामले में जांच की मांग उठाई थी। अतिरिक्त ड्रग कंट्रोलर सिरमौर गरिमा शर्मा ने बताया कि कालाम की तीन फार्मा कंपनियों ग्रैम्स लेबोरेटरी, इवेंट कॉरपोरेशन व एमबीसी इंडस्ट्रीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनियों से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। कमरे में की तेजधार हथियार से महिला की हत्या। औद्योगिक क्षेत्र झाड़ माजरे के भटोली कला में हिमुडा के एक खाली कमरे में एक अज्ञात महिला की हत्या हुई। महिला को धारदार हथियार से मारा गया। महिला की गर्दन व सिर में तेज हथियार से हमला हुआ है। हिमुडा कॉलोनी में रहने वाली एक अन्य महिला ने मंगलवार दोपहर 1:30 बजे कमरे में महिला का खून से लथपथ देखा। इस पर उसने हिमुडा कॉलोनी के केयर टेकर मुक्तिराम को सूचना दी। केयर टेकर ने इसकी सूचना बरोटीवाला पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। महिला की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की आयु 30 वर्ष के लगभग है। महिला कौन है, यहाँ खाली कमरे में क्यों आई, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हिमुडा सोसाइटी के प्रधान प्रीतम सिंह ठाकुर व सदस्य अनिल कुमार ने बताया कि सुनसान जगह पर यह कॉलोनी होने से यहाँ पर आपराधिक मामले होते रहते हैं। कॉलोनी में कुछ कमरे खाली होने से यहाँ पर नशेड़ी लोग आते रहते हैं। यहाँ पर पुलिस की गश्त कभी कभार होती है। यहाँ पर रूटीन में गश्त करने की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया। ASP अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक स्पेशल टीम का गठन कर छानबीन शुरू कर दी है। बरोटीवाला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल चयन आयोग घोषित करेगा 446 पदों के नतीजे, सरकार ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग 24 विभिन्न पोस्ट कोर्स के तहत 446 पदों पर लिए गए परीक्षा परिणाम घोषित करेगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से आयोग को निर्देश जारी किए गए हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड 817 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 162 पदों के लिए 30 मार्च 2024 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जा चुका है और तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग के अनुसार 12 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कला अध्यापक पोस्ट कोड 980 के संबंध में एक मंत्रिमंडल उप समिति गठित की गई है। उसकी सिफारिश के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 8 नवंबर 2023 को सरकार द्वारा गठित कमेटी ने 6 दिसंबर 2023 को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति विचार दिया कि कला अध्यापक की परीक्षा दूषित हो गई है, क्योंकि प्रश्न पत्रों की प्रति परीक्षा से पहले व्यवस्थित रूप से बेची गई थी। दागी प्रतिभागियों को बेदाग प्रतिभागियों से अलग करना मुश्किल है और इस तरह चयन प्रक्रिया के परिणाम की वैधता खो गई है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।